जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अत्यंत दुखद खबर राजस्थान से आ रहे हैं। राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले भारतीय सेना के जवान जोगेंद्र सिंह शेखावत मां भारती की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। आपको बता दें कि डेगाना उपकंड क्षेत्र के चरडास गांव के आर्मी जवान जोगेंद्र सिंह शेखावत बीते दो दिन पहले एक दिन के लिए कैंसर पीड़ित रिश्तेदार से मिलने के लिए छुट्टी पर गाँव आए हुए थे। इस दौरान वापस ड्यूटी पर लौटने के लिए छोटे भाई द्रुक सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर डेगाना जाते समय नेशनल हाईवे 458 पर सामने अचानक गाय आने की वजह से फौजी जोगेंद्र सिंह सड़क पर गिर जाने से घायल हो गए थे। उनके बाद आसपास के खड़े लोगों ने दुर्घटना में घायल जोगेंद्र सिंह को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से उन्हें उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि सैन्य सम्मान के साथ जोगेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसके बाद सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में जान गंवा चुके जोगेंद्र सिंह शेखावत की अंतिम यात्रा सांजू से अपने पैतृक गांव चरडास से निकाली गई। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में अंतिम यात्रा का फूलों से स्वागत किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। सैनिक का पार्थिव शरीर जब अपने पैतृक गांव पहुंचा तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। पूरे चरडास गांव में किसी के घर में चूल्हे नहीं जले। वहीं जोगेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार से पूर्व सेना के अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। सड़क दुर्घटना में शहीद हुए जोगेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार के लिए 6 वर्षीय बेटे विष्णु प्रताप सिंह ने मुखाग्नि दी। इससे पहले सेना के अधिकारियों ने बेटे को तिरंगा दिया गया। जानकारी के अनुसार जोगेंद्र सिंह की एक माँ है जो देख नहीं सकती। सड़क दुर्घटना में शहीद हुए जवान जोगेंद्र सिंह को आर्मी अधिकारियों सहित संत नानक दास महाराज, सरपंच सुरेश ढाका, महेंद्र सिंह नाथावत, पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष सीताराम बिंदा, राजू सिंह रोहिणा ने पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर उनके पैतृक गाँव पहुंचा तो भारत माता के जयकारों से आसमान गुंजायमान हो गया। वहीं घर में एक बार कोहराम मच गया, जिसे देखकर हर किसी का दिल पिसिच गया। मां भारती के लाल ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन्हें अपर समाचार यूट्यूब चैनल की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके अदम्य साहस को कोटि कोटि नमन करते हैं।